नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है स्मार्ट एचआर सर्विस से सफर पिज़ादा जी, जो है जॉब प्लेसमेंट का काम ये कंपनी करती है और इनका जो एमडी है उनसे हम मिलने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे जो क्रूज में अगर किसी को जॉब करना है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे आज। और आफ्टर 10th और 12th के बाद अगर आप क्रूज में जॉब करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, उसी के बारे में हम जानेंगे जफर जी से। सर बताइए प्लीज कि क्रूज में कैसे जॉब करना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति तो कैसे कर सकता है। जी, अभी अभी हमारे पास ये क्रूज़ के लिए रिक्वायरमेंट आई है। जैसे कि बॉम्बे से गोवा हो या इंडिया के अंदर जो भी क्रूज चलती है उसके अंदर 10th और 12th दोनों पास के हैं जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी हम लोगों ने रखा है जी। उनके ट्रेनिंग और वो सब कुछ भी यहाँ पे दी जाती है, उनके सर्टिफिकेशन भी दिए जाते हैं। और इसमें मेन जो होता है ये जैसे कि बारटेंडर है, वेटर है जी, कुक है, काफी सारी कैटेगरी के हैं जो रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी के लिए है, मतलब मैं अप्रैल 1st या 2nd वीक तक के भी हम उनको अलाउ कर सकते हैं जी। दूसरा सेम क्रूज का है हमारे पास यूरोप के लिए है जी, वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो भी 10th या 12th जो पास है उनके लोगों के लिए है। उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका जो भी सर्टिफिकेशन वगैरह जो भी होगा वो सब हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छी है। दूसरा ये है कि ये पैसेंजर क्रूज है जी, तो काफी उनको बेनिफिट भी वहाँ पे रहता है, दूसरा भी बेनिफिट उनको मिलता है, पे स्केल भी बहुत अच्छा है। तो मेरी आप लोगों से सबसे ये है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो भी इंटरेस्ट रखते हैं मर्चेंट नेवी में या फिर ये क्रूज के लिए, पैसेंजर क्रूज के लिए, प्लीज वो हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। इसके लिए आपने जो बताया क्राइटेरिया तो बता दिया, लेकिन अगर कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई पैसेंजर की पोजीशन, मतलब कोई भी वेटर की पोजीशन लेते हैं, या तो उसके लिए सैलरी बेस कितना रहता है, क्योंकि सबको ये क्वेश्चन मन में चलता ही होगा कि अगर मैं जॉब अप्लाई करता हूँ तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, तो वो प्लीज बताइए सर। जो फ्रेशर है उनके लिए 25,000 से 35,000 स्टार्टिंग होता है जी। और बल्कि उनको टिप वगैरह जो है वो भी अच्छे से उनको वहां पे मिल जाते हैं, इंसेंटिव भी उनको मिलता है, ओवर टाइम भी अगर उनके लिए होता है तो वो भी उनको मिलता है, तो ये भी अच्छा है। और जो जाकर आए हैं जिनको एक्सपीरियंस है, अगर ऐसे लोग आते हैं तो उनके लिए भी अच्छा पे स्केल है जी। जो भी है एक बार कनेक्ट करें उनका सीवी और उनका पूरा डिटेल देखने के बाद में हम बता सकते हैं कि उनको कितना पेमेंट मिलेगा, कौन से उनको पोस्ट मिल सकती है, क्या है, ये सारी डिटेल हम एक बार अगर आप यहाँ आ जाए या उनका सीवी हमको मिल जाता है तो हम उनको बता देंगे। इसका एज क्राइटेरिया आपने क्या बताया सर? एज 18 to 30 जी। हाँ, 18 to 30 जी जी। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करना चाहते हैं क्रूज में तो जरूर से स्मार्ट एचआर सर्विसेज का कांटेक्ट करिए, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है कि बहुत लोगों की जॉब जा चुकी होती है, देश का और देश की स्थिति जो हम देख के चलते हैं, तो किसी के पास जॉब है किसी के पास नहीं है। और जो अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो अपना आफ्टर 10th और 12th के बाद, तो जरूर से स्मार्ट एचआर सर्विस का कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे सब डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लीजिए और जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो जॉब अभी हुई है, जॉब के लिए जो अप्लाई करना चाहता है वो मंथ एंड तक की है, क्योंकि इसको ये क्रूज में जो जॉब करने वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है वहां पे, तो जरूर से हमें कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।